अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जब्बार वर्ल्ड। तो सबसे पहले सबको ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का दिन है आज और 7:30 का टाइम हो चुका है। तो हम लोगों ने ईद अज़हा की आज नमाज जो है वो अभी अदा कर ली है और इस वक्त घर वापस आ चुके हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद अभी हमारे पास मौजूद है सवैयाँ, बेबीज़ जो हैं वो अभी सो रहे हैं। हाय करो सुल्तान, हाय करो। तो बेबीज़ जो हैं अभी सो रहे हैं, तो सोचा जल्दी से भी लोग एक मॉर्निंग वाला बना लिया जाए। तो इस वक्त खाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सवैयाँ, गरम गरम सवैयाँ, इसके अंदर मेवे वगैरह डाले हुए हैं। तो मौजूद हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा ठंडी होने के लिए रखी हैं कि ठंडी हो जाएं और हम तब तक जो है वह भी लोग बना लें। तो तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमान बहनों भाइयों को, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और ये एक खुशी का मौका है और तमाम बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको हमारी तरफ से ये बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। तो हमने सुबह से उठ के तो नहा हो के फ्रेश हो गए, तो जल्दी से हम लोग नमाज के लिए पहुँचे हैं और हमने नमाज अदा कर ली है ईद बाजमात। तो नमाज अदा करने के बाद हम घर पहुँचे हैं। घर पहुँचने के बाद अभी मैंने सोचा कि हम लोग वी लोग बना लेते हैं। तो इस वक्त जो है ना, बेबीज़ जो हैं वो तो खैर अभी नींद से नहीं उठे, उनको अभी थोड़ी देर में रेडी करके फिर एक वी लोग इनके साथ ज़रूर बनाएंगे और इनको साथ ईद मिलेंगे। तो ईद का दिन स्टार्ट हो चुका है, नमाज अदा कर ली है। ईद का दिन खुशियों भरा दिन है, तो इस दिन की मुनासिबत के हिसाब से यही कहना चाहेंगे। तो आज ईद के कुर्बानी की ईद है, बड़ी ईद है। तो आप ऐसा करें कि अपनी खुशियों में तमाम फैज पोश लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल रखें। वो लोग जो के मुस्तहिक हैं और जिनकी खुशियों का आपको ख्याल रखना चाहिए, उन तमाम अफराद का इस ईद पर उतना ही हक है जितना आपका है। तो उनको अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखिएगा, उनकी जो भी ज़रूरियात है आप पूरी करें इस तरह से कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। क्योंकि तमाम जो भी आप नेकियां करते हैं उसका अजर जो है वो ऊपर वाला यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। तो कोई भी काम इस तरह से करें कि आपका एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले। तो मौसम कुछ ऐसा है कि बहुत गर्मी है, अभी जो है ईद की नमाज अदा करने के बाद से ही गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब बाकी देखते हैं सारा दिन कैसा गुजरता है। है तो वैसे गर्मी ही, कोई बादलों का नामो निशान नहीं है और कोई मौसम में जो ठंडक है या हवा का झोंका है या आप कह लें कि किसी तरफ से बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। तो मौसम बहुत गर्म रहने वाला है। तो ईद जो है वो शुरू हो चुकी है, तो हम आपके साथ अपने ईद के जो तीनों पहर है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मॉर्निंग में हमने क्या किया, उसके बाद दोपहर में, उसके बाद शाम में, रात में, जो भी हमारी एक्टिविटी हो रहेगी इस ईद के ऊपर, वो तमाम एक्टिविटी आपके साथ हम व्लॉग की सूरत में शेयर करने वाले हैं। तो सवैयाँ हमारे पड़ी हैं लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो सोचा जब तक ये सवैयाँ ठंडी होती हैं तो हम वीलो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ईद की तैयारी हमारी अच्छी हो गई, ठीक ठाक हो गई। हमारे कपड़े जो हैं वो सिल गए हैं, जैसे भी सिलाई किए हैं टेलर ने यहाँ पर, तो हमने पहन लिए। अब जो हो गया सो हो गया, टेलर को बोला था यहाँ पर पॉकेट ना लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पॉकेट लगा दी, लेकिन फिर भी पॉकेट जो है वो हमने उतरवा दिए क्योंकि पॉकेट यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी और पॉकेट के बिना वाले सूट जो है वो ठीक लगते हैं। तो फिर वापस ले जा के पॉकेट इसकी उतरवा के फिर ये ड्रेस, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि यहाँ पे पॉकेट थी लगाई गई थी। खैर जैसा भी है, अब ईद के ऊपर टेलर्स को भी थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उनको याद नहीं रहता, बेहतर है कि वो लिख लिया करें। तो खैर ड्रेस हमारा जैसा भी है सिलाई हुआ अच्छा है। और ईद की एक्टिविटी यही है कि अब नमाज के बाद अब सोना वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो है वो बच्चों को
रेडी करवाना है, और रेडी करवा के उनके साथ ईदी मिलेंगे और उनको ईदी देंगे और उनके साथ बाहर जाएंगे और उनको जो जो चीज़ चाहिए, खिलौने चाहिए, खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए, वो सब कुछ दिलाएंगे। तो उसका भी वीलॉग अभी थोड़ी देर में हम बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल सी यही एक्टिविटी हम जो भी कर रहे हैं कि ईद पड़ने के बाद अभी जो छोटी बेबी है वो खेल रही है इधर एक, तो जो भी है वो छोटी सी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ वो आपके साथ जो है वो शेयर करते जाते हैं। बाकी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक बार फिर से हमारे दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ हमारे वीडियोस को देखने के लिए एक अच्छी मतलब फीलिंग्स हैं हमारे लिए कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, और उम्मीद है कि आपकी भी बहुत बहुत अच्छी गुजरेगी। और यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को जो हैं वो ज़रूर कंप्लीट देखा करें, और इससे ये होगा कि आपकी वीडियो पूरी देखने से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगी। तो ईद हमारी जो है वो शुरू हो चुकी है और हम लोग जो हैं बच्चों के साथ अभी थोड़ा बहुत मसरूफ हो चुके हैं, तो बच्चों का अब टाइम हो गया कपड़ों का कपड़े पहनने का और रेडी होने का। तो ईद होती ही बच्चों की है, जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं इनका काम है कपड़े पहनना, फिर ईदी लेना, ईदी लेने के बाद बाहर घूमना और टॉयज़ वगैरह ले लेंगे या कुछ खाना खा लेंगे, कुछ चीज़ें बाहर जो भी स्टॉल वगैरह लगा होगा। तो ईद बेसिकली होती ही छोटे छोटे बच्चों की है, तो बच्चों की खुशियों जो हैं उसी में बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी छोटी छोटी शरारतें और छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी करके और उनके साथ हल्ला गुल्ला करके जो है वो ईद गुजारनी चाहिए। तो इस वक्त मलाइका और सुल्तान दोनों जो हैं उठ के रेडी होने के लिए बैठ गए, वो भी रेडी हो जाएं कपड़े पहने और वो ईदी लेंगे। तो अगले वीलॉग में जो नेक्स्ट वीलॉग है वो इन्हीं के साथ होगा, देखते हैं वो कितनी कितनी ईदी मांगते हैं। खैर ईदुल अज़हा का जो फर्स्ट डे है गर्म है और गर्मी काफ़ी फील हो रही है, उम्मीद है कि आने वाले जो दिन होंगे शायद ठंडे हो जाएँ या शायद बारिश हो जाए, चलें जैसी भी है जैसा भी है मौसम, अब जो ईद का है दिन है इसको गुजारना है अच्छे तरीके से और तमाम लोगों के साथ हल्ला गुल्ला करेंगे, घुल मिल कर बैठेंगे। और हमारे व्यूवर्स को एक बार फिर से हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक, तमाम छोटे बड़े बुजुर्ग तमाम को हमारी तरफ से ईद मुबारक, और एक बार फिर से यही पैगाम देंगे कि आप अपनी ईद की खुशियों में अपने अड़ास पड़ोस में रिश्तेदारों में अजीज़ वकारब में उन तमाम अफराद को ज़रूर अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें जो के मुस्तहिक हैं, जो के सफ़ेद पोश हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी जो भी ईद की खुशी है वो दुबाला हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, और अल्लाह ताला आपकी खुशियों को जो है वो समझे चार चांद लगा देगा। जो दूसरों का एहसास करता है खुदा ज़रूर उसका एहसास करता है। तो इस मौके की मुनासबत से यही मैसेज था हमारा, और बाकी हमारी वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले आपकी ईद जो है वो कैसी गुजर रही है। और अगर आप नए व्यूवर हैं इस वीडियो के ऊपर तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आपको नज़र आ जाएगा नीचे, तो सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं, कोई चार्जेस नहीं, और उसके साथ आपको बेल का आइकन नज़र आएगा, नोटिफिकेशन का आइकन, उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है और जो नोटिफिकेशन है उसको आपने ऑल पे सेट कर देना है। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो बना के अपलोड करेंगे और जैसे ही पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो आज अभी फ़िलहाल ईद का जो है मॉर्निंग की वो जो एक्टिविटी है वो आपके साथ शेयर कर रही है, हम अब सेवइयां खाने वाले हैं, ठीक है, सेवइयां रेडी हैं, उम्मीद है कि ठंडी हो चुकी होंगी और हमारा वीलॉग भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अभी आज के दिन हम काफ़ी वीलॉग्स बनाने वाले हैं,
तो इस अभी जो नेक्स्ट वी लोग है इनशाला वो बच्चों के साथ बनाएंगे, उनको रेडी करके नए कपड़े पहना के, और वो कितनी ईदी मांगते हैं और क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो इस वी लोग में इतना ही, मिलते हैं अगले वी लोग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।